अपूर्वा टॉक्स के अंदर फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है जिसे आपको अंत तक देखना है। हमारे काफी व्यूअर्स ने बताया कि सर हम कितने ब्यूरोज के रिपोर्ट निकाले, कितने ब्यूरोज के रिपोर्ट को रेक्टिफाई करवाए, या कितने ब्यूरोज के रिपोर्ट बैंक चेक करती है, या हमें इंडिया में जितने भी ब्यूरो मान लीजिए फ्यूचर में भी आ रहे हैं तो हम सबको हमें इसमें अपडेट करना पड़ेगा या सभी हमें रिपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस के मैं आपको आज आंसर देने वाला हूँ। पहले तो आपको जानना है कि इंडिया में कितने ब्यूरोज हैं। इंडिया में 4 ब्यूरोज हैं अभी, ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रीफाइमाल, दीज आर द 4 ब्यूरोज इन इंडिया। इन चारों ब्यूरो का काम है बैंक के साथ जो डेटा है, बैंक से जिन्होंने भी इंडिया में लोन लिया हुआ है उनका एक सिस्टमाइज जो डेटा है, लोन का डेटा है, वो ये चारों ब्यूरो उनके वहाँ पे रखते हैं। जो मेंबर्स बैंक हैं उनको जब भी इन कस्टमर को लोन देना है या जिसके रिलेटेड उनको ये कस्टमर्स की डिटेल पास्ट की जाननी है तो वो उनको एक सिस्टमाइज फॉर्मेट में देते हैं। तो ये ब्यूरो का काम है कि इंडिया में जितनी भी बैंक है जहाँ से भी जिस कस्टमर ने भी जो लोन लिया है उन लोन का डेटा रखना है और उसको सिस्टमाइज फॉर्मेट में जब भी उनको चाहिए उनको देना है। अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई ये चार ब्यूरो के रिपोर्ट निकलवाना है या नहीं निकलवाना है, या चारों चार ब्यूरो का क्या खुद का ये अल्गोरिदम है, या चारों चार ब्यूरो क्या बैंक सभी चार ब्यूरो के रिपोर्ट्स चेक करती है। देखो इनके अंदर बैंक टू बैंक सब बैंक्स की कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है। NBFCs की पॉलिसी अलग है, नेशनलाइज बैंक्स की अलग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की अलग है, बट एक पॉलिसी उनकी एक सिंपल सी वो क्या है कि वो इंडिया में जितनी भी बैंक्स हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस लिया हुआ है उनको चारों चार ब्यूरोज के मेंबर तो पहले बनना है, और जब भी किसी कस्टमर्स को वो लोन देते हैं तो उनका डेटा वो ब्यूरो में भेजना वो कंपलसरी है। ये एक पॉलिसी सिंपल है और उनको भेजना ही भेजना है। वो ऐसा नहीं कर सकते भी किसी भी कस्टमर ने लोन लिया है तो उनका डेटा भेजना नहीं भेजना उनके हाथ में हो, उनको भेजना ही भेजना है। तो ये एक पॉलिसी है। अभी रही दूसरी बात के जब भी कोई बैंक आपको लोन के लिए आपकी फाइल लेती है तब कितने ब्यूरोज के रिपोर्ट वो चेक करती है। हम इतने साल से काम करें, इतने सारे कस्टमर्स हैं हमारे ब्रांचेस हैं इतनी, तो हमने काफ़ी डिटेल में हर स्टेट वाइज एक हमने एक एनालिसिस करके देखा है कि जब भी कोई बड़ी लोन होती है, बड़ी लोन का मतलब यहाँ पे होता है 10 लाख रुपए, बट 10 लाख ही कोई बेंचमार्क नहीं है। कुछ बैंक्स के अंदर 5 लाख ऊपर भी होता है, कुछ बैंक के अंदर 10 लाख ऊपर भी होता है, कुछ बैंक के अंदर अगर सिक्योर्ड लोन छोटी है तो नहीं होता है। मीन्स हर बैंक की खुद की एक ना एक पॉलिसी होती है कि वो जब भी कोई कस्टमर को लोन देती है तब ये चार ब्यूरोज के रिपोर्ट वो एक्सेस करती है और उसके अंदर कोई भी डेलिक्वेंसीज नहीं है, उनका स्कोर अच्छा है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उनको जो एलिजिबिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी सिक्योरिटीज के हिसाब से जो भी बैंक की पॉलिसी है उस हिसाब से उनको लोन देती है। बट दिस क्वेश्चन इज अगेन राइज कि भाई हमें कितने ब्यूरोज के रिपोर्ट निकालने हैं, और मान लीजिए मेरा छोटा मोटा कोई क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम पुराना 5-10 साल 15 साल पुराना था तो क्या मुझे चारों चार ब्यूरो में इसको अपडेट करवाना चाहिए या सिर्फ मैं सिविल में करवाऊँ तो चलेगा? तो मेरा ये आंसर रहेगा कि यस, आपको चारों चार ब्यूरो में इसको ठीक करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे बैंक ने बोला है कि सिबिल ठीक करवा दो, उसका पेमेंट करवा के नोड्यूल है, इसको अपडेट करवा दो, हम आपको लोन दे देंगे। वो ठीक बात है, उनको लोन भी मिल जाएगी, बट क्या आपको पता है एज ए कस्टमर कि आपको अभी लोन मिल जाएगा बट आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको कौन सी लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी? अभी जो ब्रांच मैनेजर जिस बैंक में जिस ब्रांच में बैठा है वही ब्रांच मैनेजर 5 साल बाद वही रहेगा, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, RBI की गाइडलाइंस है, वो भी सेम रहेगी? द आंसर इज नो। हमें भी कुछ पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा। आज से 10 साल पहले हम लोग काम कर रहे थे, आज से 15 साल पहले हम इनका काम कर रहे थे और आज काम कर रहे हैं, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। पहले एक मैनुअल फॉर्मेट में डिमांड ड्राफ्ट भेज के ब्यूरोज को भेजना पड़ता था और वर्किंग 7-10 डेज के अंदर कुरियर से रिपोर्ट आता था, अब अभी 1 मिनट में रिपोर्ट आ रहा है। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से ये चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी अभी ऐड हो रही है, तो काफ़ी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऐड कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कस्टमर्स के फेवर के अंदर काफ़ी सारी पॉलिसीज फ्रेम कर रही है। तो मेरा एक एक्सपर्ट व्यू ये कहता है कि हर एक कस्टमर को उनका जो ब्यूरोज के रिलेटेड काम है तो उनको चारों चार ब्यूरो में करवाना चाहिए, सिबिल, ट्रांस यूनियन सिबिल जैसे को बोलते हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रीफाइमार्क।
इससे क्या होगा, उनका अभी का तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा, बट इन फ्यूचर भी कहीं पे भी कोई भी बैंक में कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर उनको फाइनेंस के रिलेटेड, लोन के रिलेटेड होती है, तो उनको ये सोचना नहीं है या मैनेजर को ये पूछना नहीं है, क्रेडिट ऑफिसर को ये पूछना नहीं है कि सर आप कौन से ब्यूरो के रिपोर्ट निकालोगे, मेरा सिबिल तो ठीक है बट मेरे क्रीफाई मार्क में प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें पेमेंट तो एक ही बैंक में करना होता है, बट जो अपडेशन प्रोसेस है वो हर ब्यूरोस के अंदर करनी पड़ती है, तभी जाके वो वहाँ पे अपडेट होगा, क्योंकि हर जो ब्यूरोज है उनके फॉर्मेट्स डिफरेंट डिफरेंट है, उनके ऑफिसेज डिफरेंट डिफरेंट है, उनके कंट्रोल नंबर्स अलग अलग हैं, उनकी OLM शीट्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो जिससे कि उनको हमें जो अपडेट्स भेजने होते हैं वो हर ब्यूरोज की अलग अलग जगहों पर भेजने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिबिल में एक जगह पर भेज दिया ट्रांसयूनियन सिबिल में तो अपने आप तीन ब्यूरो में हो जाएगा, इसकी पूरी प्रोसीजर अलग है, पूरी उसकी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है वो भी पूरी डिफरेंट है। तो मेरा ये मानना है कि हर एक कस्टमर को, अगर छोटा है या बड़ा है, अगर छोटी लोन लेनी है या बड़ी लोन लेनी है, उनको डेफिनेटली चार ब्यूरो के अंदर ही काम करवाना चाहिए कि जिससे उसका आज नहीं इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो क्रेडिट हेल्दी हो सकें और वो एकदम कहीं पे भी लोन के लिए कभी भी अप्लाई करें तो उनको वो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बैंक वाले कौन से ब्यूरो का रिपोर्ट निकालेंगे, मेरे डिक्लाइन कर देंगे या नहीं कर दीजिए। द एक्सपोर्ट व्यू इज़ दैट कि आपको हर ब्यूरो का रिपोर्ट भी निकालना चाहिए और अगर उसमें कोई डेलिक्वेंसी है तो चारों चार ब्यूरो के अंदर ही ये करनी चाहिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच।